नमस्ते दोस्तों, कपास की गुलाबी इल्ली जिस कीट के कारण कपास की खेती करने वाला हर किसान परेशान है। कितने भी कीटनाशकों का छिड़काव करे यह कीट नियंत्रण में नहीं आती। इस कीट के प्रबंधन उपाय जानने से पहले इस कीट का जीवन चक्र और प्रकोप लक्षण की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। कीट का प्रकोप फसल में 30 दिनों के बाद दिखाई देना चालू हो जाता है। कीट के भूरे रंग के पतंगे डंठल, फूलों और पत्तियों पर अपने अंडे देते हैं। 2 से 5 दिनों में इन अंडों से सफेद इल्लियां बाहर निकलती है। शुरुआती दिनों में इल्ली फूल के अंदर रहकर फूल खराब करती है, जिस कारण फूल सिकुड़ जाते हैं। फूल की ऐसी अवस्था को रोजिडेंट फ्लावर कहा जाता है। जैसे फसल की फूल अवस्था पूरी होती है तब यह गुलाबी इल्ली फलों पर हमला करती है। यह फल के अंदर मुंह घुसाकर बाकी शरीर बाहर छोड़ देती है। इल्ली अपनी विष्ठा से पूरा का पूरा फल खराब कर देती है। फल अंदर से काले पड़ जाते हैं। कीट के प्रकोप के कारण फल खराब होते हैं और फूल समय से पूर्व गिर जाते हैं। पूरी बड़ी इल्ली फल के अंदर या जमीन में कोशिका अवस्था में चली जाती है। हफ्ते भर की कोशिका अवस्था पूरी करने के बाद इन कोशिकाओं में से काले भूरे रंग के पतंगे बाहर निकलते हैं। कीट का जीवन चक्र वातावरण के हिसाब से 35 से 60 दिनों में पूरा होता है और एक वर्ष में 6 से 12 पीढ़ियां पूरी होती है। इस हानिकारक कीट के प्रबंधन के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण साधन है। आइए देखते हैं इस कीट के प्रबंधन के लिए फनल ट्रैप और गुलाबी फ्लाइलूर कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब कपास में आप गुलाबी इल्ली के प्रबंधन के लिए फेरोमोन ट्रैप खरीदते हैं तब आपको ऐसा फनल ट्रैप मिलता है और ये गुलाबी फ्लाइलूर मिलती है। तो आइए देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। यह ट्रैप आपके फसल में गुलाबी इल्ली के नर पतंगे पकड़कर जीवन श्रृंखला तोड़ता है। कीट का प्रमाण और उसके लिए लगने वाले कीटनाशक के छिड़काव भी कम होते हैं। इस प्रकार से आप प्रति एकड़ कम से कम 8 से 10 ट्रैप लगवाए और शुरुआती दिनों से ही गुलाबी इल्ली के पतंगे पकड़कर कीट का अच्छा प्रबंधन करिए। कीट प्रबंधन की ऐसी नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को भेज दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।